सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, दबाए इस रेड बटन को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बहुत जल्दी दूसरों के चैट पढ़ने की, चलो बताता हूँ आप कैसे किसी भी यूजर का व्हाट्सएप चैट रीड कर सकते हो। आपका अगर कोई फ्रेंड है, वो अपने फ्रेंड के साथ, किसी गर्लफ्रेंड के साथ या फिर किसी भी फ्रेंड के साथ वो क्या बातें करता है, अगर आप ये जानना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, या फिर आप एक पेरेंट हो अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे के फ़ोन में देखना चाहते हो कि वो किसी के साथ कैसे बातें कर रहा है, तो क्या होता है कि कई बार आपके पास टाइम होता है, आपके पास फ़ोन होता है, फ़ोन लेने के बाद आप उसको पढ़ना शुरू करते हो, किसी के भी चैट को क्लिक किया आपने, पढ़ना शुरू किया, लेकिन चैट इतना लंबा होता है कि आप पढ़ नहीं पाते जब तक वो नेक्स्ट बंदा जो भी जिसका फ़ोन होता है वो आ जाता है आपके सामने, तो आपको फिर बंद करना पड़ता है फ़ोन उसका, है ना। तो लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप उस चैट को अपने व्हाट्सएप पे आप पढ़ सकते हो, अपने व्हाट्सएप पर मतलब फ़ोन में पढ़ सकते हो। तो बताता हूँ मैं क्या करना है आपको, बेसिकली मैं इसमें आपको एक्सपोर्ट चैट के बारे में बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको ज़्यादा फालतू फेक ऐसी कोई चीज़ें नहीं बताता, ठीक है। मैं आपको यही बता रहा हूँ जो इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है, जो आपको ऑप्शन यूज़ करना चाहिए अगर आपको कभी ज़रूरत है तो। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना होगा, व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए आप। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जिस भी यूज़र का चैट रीड करना है उसको ओपन कर लीजिए उसके चैट को, एंड देन आपको ऊपर में दिख रहा होगा थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे हम, फिर आपको मिल रहा है मोर का ऑप्शन, मोर पे क्लिक कीजिए, एंड उसके बाद यहाँ पे मिल रहा है एक्सपोर्ट चैट, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप मीडिया को भी साथ में लेना चाहते हैं या नहीं, इंक्लूड मीडिया और विदाउट मीडिया। मीडिया मीन्स जो भी फोटो वीडियोज़ उन्होंने शेयर किए होंगे एक दूसरे के साथ, वो चीज़ें अब वहाँ पे आप मतलब देख पाओगे अगर इंक्लूड मीडिया करेंगे तो। मैं इंक्लूड मीडिया करता हूँ यहाँ से, एंड आगे बढ़ते हैं। इंक्लूड मीडिया करेंगे तो उसके बाद आपको शेयर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप उसको आप शेयर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको उसे अपने व्हाट्सएप पे शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप पे। अब यार आप उसके जान पहचान के, आप उसके पेरेंट्स हो या फिर आप उसके फ्रेंड हो, तो आपका व्हाट्सएप तो उसके फ़ोन में होगा ही, वहाँ पे जाओ अपने व्हाट्सएप सर्च करो एंड उस पर सेंड कर दो। सेंड करेंगे आप तो आप देख पाएंगे, यहाँ पे मैं भी सेंड करके दिखाता हूँ आपको। मेरे खुद के फ़ोन में मेरा एक अकाउंट है, दूसरा व्हाट्सएप है, मैं उसको सर्च कर लेता हूँ एंड मैंने उस पर भी सेंड कर दिया इस चीज़ को। तो सेंड करने के बाद क्या होता है, आपको सारे जो भी अपने लिए होगा, मीडिया होगा, जो भी चैट होगा, वो सब उसका एक फाइल बन के उस मेरे व्हाट्सएप पर चला जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंड हो गया, अब मैं उसको ईजिली अपने व्हाट्सएप में पढ़ सकता हूँ। अब आपको एक और स्टेप फॉलो करना है, वो क्या है कि जो भी आपने चैट सेंड किया उसके फ़ोन से, यूज़र के फ़ोन से, वहाँ पर जाओ एंड उस चीज़ को डिलीट कर दो जो भी आपने किया, सेलेक्ट करो सबको एंड डिलीट पे जाओ एंड डिलीट फॉर मी कर दो। तो क्या होगा, उस यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किसी को कुछ मैसेज भेजा है, जैसे तब पहले वैसे ही हो जाएगा वापस से। तो इस तरह से करके आप उसको चैट को रीड कर सकते हो अपने व्हाट्सएप पे। एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने खुद के फ़ोन में खुद के चैट को, किसी और के चैट को एक्सपोर्ट कर रहे हो बाद में पढ़ने के लिए या फिर किसी जगह पे भेजने के लिए, तो उसके लिए उसको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, जब आप इंक्लूड मीडिया पे जाते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, कई सारे ऑप्शन, जीमेल पे आप भेज सकते हो, आप किसी के व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, किसी के ऑफलाइन मैसेज पे भेज सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल ड्राइव पे सेव कर लेना है। गूगल ड्राइव तो आपने सुना होगा, आप यूज़ भी करते होंगे। गूगल ड्राइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो, गूगल क्लाउड होता है एक, बेसिकली वो क्लाउड है। तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे क्लिक कीजिए एंड वहाँ पे आप जाने के बाद अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कीजिए, किस अकाउंट पे आप सेव करना चाहते हो उस पर कीजिए, फिर फाइल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कि कौन से फाइल पे आप सेव करना चाहते हो, फाइल का नेम देंगे एंड यहाँ पे आप सेव कर देंगे, तो वो आपके फाइल में वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके लिए आपको एक और थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि फाइल में जो गूगल ड्राइव होता है वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि डाउनलोड अपलोड ओवर ओनली वाईफाई, मतलब सिर्फ वाईफाई अगर कनेक्ट होगा फ़ोन में तभी वो अपलोड हो पाएगा। तो मेक श्योर कि आपका जो वहाँ पे सेटिंग है उस सेटिंग को जाकर आप चेंज कर दो, आप उसको वाईफाई से चेंज करके आप डाटा सेलुलर में कर दो, तो क्या होगा आपके मोबाइल डाटा से भी वो आपके वो गूगल ड्राइव पे सेव हो जाएगा वो चीज़ें, वो फाइल। तो गाइस इस तरह से आप किसी के चैट को एक्सपोर्ट करके आप रीड कर सकते हो बाद में भी, और आप इजीली से किसी के चैट के बारे में जान सकते हो कि वो कैसी बातें कर रहा है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।